अपने घुटनों पर आ जाओ। प्रभु जी, हम सब इस समय तेरे चरणों में आते हैं पवित्र आत्मा जी, घुटने टेक कर एलिया की तरह, पवित्र आत्मा दाऊद की तरह लेट कर आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी। कोई भी जन यहाँ पर ऐसा है, कोई निराश है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु मैं अपने घुटनों में सिर कर तुझे दंडवत करता हूँ, मसीह के नाम में एलिया की तरह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके बिजनेस में अकाल पड़ा है, इनकी चंगाई में अकाल पड़ा है, इनके जीवन में अकाल पड़ा है, जो लोग घुटनों पर है पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर आज इस चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा अपना बादल में से हाथ निकाल, हाथ आए वो तेरा दाहिना बाइना हाथ आने पाए आज, तेरी दया, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग निराश हैं पवित्र आत्मा जी आज, जो टूट चुके हैं, जो सच में बहुत दिन से अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, सही ठीक करने के लिए रो रहे हैं परमेश्वर, जो सही करना चाहते हैं चीजों को लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा परमेश्वर, अब तू साइलेंट मत रहे परमेश्वर, तू मेरे चर्च पर, मेरी मिनिस्ट्री पर, मेरी सेवकाई पर हाथ रख परमेश्वर, मेरे लोगों पर हाथ रख पवित्र आत्मा जी, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं परमेश्वर आज इनके ऊपर हाथ रख दे पवित्र आत्मा, हाथ रख दे पवित्र आत्मा, हम सब घुटनों पर, घुटनों पर आकर पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो चीजें सही नहीं हो रही वो आज रात से सही होने लगे यीशु के नाम में, सही होने लगे परमेश्वर, इनकी फेवर में आने लगे परमेश्वर, इन ये चीज देखने पाए विक्ट्री के, इनके कदम को चूमने पाए इस साल में, इनके बच्चे तरक्की को देखें परमेश्वर, जहां चंगाई का काल पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर को हट जाए आज, वो करते के श्राप टूट जाए आज, जहां नाकामयाबी है पवित्र आत्मा दी आज ये फिर से आशीषों को देखने पाए, इनकी बरकतें खुलने पाए, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज कि तूने इनके बड़े सारे कामों को खोल दिया है आज, यीशु के नाम में जिन्होंने मस्तक किया है, अपने सिरों को झुकाया है, पवित्र आत्मा जिसने इनको गिराया है, इस शैतान ने इनको गिराया है, उतना ही ऊंचा उठेंगे आपसे, भविष्यवाणी करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ आपके कंधों पर जीत के स्वर दूत आए, डिक्लेयर करता हूँ आप ज्यादा कमाएंगे इस साल में, डिक्लेयर करता हूँ आप कोई उखाड़ में ना पाएगा, डिक्लेयर करता हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब की आशीष वाला हाथ देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास करा डिफरेंट होकर गवाही आएगी, चंगाई वाली बरकत आएगी, गवर्नमेंट जॉब वाली बरकत आएगी, करा नई चक्री नई आशीषें रिलीज करता हूँ ईश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो लोग घुटनों पर हैं आपको परमेश्वर स्वप्न में बातें करेगा आज रात, ये 3 महीने आपके होंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, निराश है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है, विपत्ति में है, आत्मा कहता है अबलबा शबलबा, मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ, यिर्मयाह की किताब में लिखा करे के रोने पीटने से रुक जा, विलाप करने के दिन रोने के दिन समाप्त हुए, मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ, मैं तेरे रोने के दिन आनंद में बदलने वाला हूँ आज रात, आमीन बोलता हूँ आज रात, और परमेश्वर जिन लोगों ने तुझे इस समय पिता परमेश्वर दंडवत किया है, पीछे तक लेफ्ट राइट बीच में सबके ऊपर, उस विक्ट्री को खोल देता हूँ, जीत को खोल देता हूँ, स्वर खुल जाए, मैं देख रहा हूँ आकाश खुला हुआ है, मैं आत्मा में हूँ, मैं देख रहा हूँ स्वर खुला हुआ है, खुला हुआ है, समय खुला हुआ है,
हाँ फरिश्ते आए हुए हैं। मैंने देखा स्वर्ग खुल गया, आकाश खुल गया, फरिश्ते उतरे, आपको जीत का साइन लेकर गए यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, तेरा काम बनने वाला है, तेरा पांचवा साल आने वाला है। एक दूसरे को गुड न्यूज दे दो और बैठ जाओ अपने स्थान पर। बोलो तेरे ग्रोथ करने का साल आने वाला है, तेरे गवर्नमेंट जॉब का साल आने वाला है, तेरे चंगाई का साल आने वाला है, तेरी बरकतों का साल आने वाला है, तेरे रोशनी आंखों में रोशनी देखने का साइन आने वाला है, आपका परमेश्वर के दर्शन देखने का साल आने वाला है, आपका भविष्यवाणी करने का साल आने वाला है, आपके बच्चों का विदेश जाने का साल आने वाला है, आपका कहीं से कहीं रिश्ते जुड़ने का साल आने वाला है, आपका फेवर होने वाला है इस साल के अंदर। पवित्र मेरे सामने आंसू बहाए हैं, एक को भी निराश ना होना पड़ेगा इस साल। परमेश्वर मैंने जो तेरे सामने घुटने टेके मेरे लोगों ने, हमें निराश ना होना पड़े परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं तो हमारी बरकत सबसे ऊंची लेकर आएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। विश्वास कर रहे हैं आप? पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को